नमस्कार, मैं हूं संजना मिश्रा और आप देख रहे हैं केएम न्यूज़। आज हमारी केएम न्यूज़ की टीम पहुंची है वलसाड जिला के एक छोटे से गांव में जिसका नाम कपराड़ा है और जहां पर पानी की बहुत सारी समस्याएं हैं। आप देख रहे हो केएम न्यूज़ टीवी चैनल, मैं हूं योगेश शुक्ला। आज हम आपको वो हकीकत दिखाने जा रहे हैं जो आप देख के विचार में पड़ जाओगे, सोच भी नहीं सकते हो कि क्या यही गुजरात मॉडल है। यही गुजरात मॉडल है। आपको हम वो सच्चाई दिखाने जा रहे हैं जो आप देख के हैरान रह जाओगे। आज हम खड़े हैं कपराड़ा विस्तार में। आप देख रहे हो तपती धूप है, तपती धूप में इसके भी बावजूद यहाँ पानी की कितनी समस्या है, आइए यहाँ के लोगों से हम जानते हैं। आपसे मैं पहला सवाल ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पानी का कितना समस्या है आपके यहाँ? बहुत समस्या है क्योंकि अभी तक पानी की सुविधा नहीं है। कोई इधर अभी बोर भी करते हैं तो 500 से। तो आप लोग प्रशासन से गुहार लगाए इसके लिए? हाँ जी, जी लगाया आपने? हाँ। तो पानी मतलब आता नहीं है? नहीं आता है। हा? नहीं आता है, एक भी टैंकर पानी नहीं आता? टैंकर तो आता है लेकिन दो दिन के बाद। हाँ, खड़कवाड़ गांव में कपड़े के पड़ोस में दो में समस्या बहुत है लेकिन एक दिन में दो दिन में एक आटा होता है। दो दिन में मतलब एक टैंकर? हाँ, एक टैंकर आता है। ये बताइए कि दो दिन में मतलब एक टैंकर पानी आता है, हाँ। उससे आप लोगों का काम चल जाता है? नहीं नहीं, नहीं चलता है क्योंकि गाय भैंस रखा है तो वो लोग को भी पानी पिलाने के लिए बहुत तकलीफ पड़ती है और कपड़ा धोने के लिए तो बहुत लंबा जाता है, 5-5 किलोमीटर जाके कपड़ा धो के लाते हैं। और खाने पीने के में खाना तो मिल सकता है लेकिन पानी की बहुत समस्या है, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि अभी गुजरात सरकार कुछ ना कुछ करेगा तो बहुत। जैसे मैं आपसे एक सवाल और पूछ रही, यहाँ के जैसे MLA जीतू भाई हैं, हाँ। तो जीतू भाई से आप लोगों ने कभी बात किया? बहुत बार बात किया, उसको भी बहुत अर्जी दिया लेकिन अभी बोलता है कि हो जाएगा, कुछ होता है नहीं। ऐसे अर्जी तो कितने बार दिए, जीतू भाई को भी दिया, भी अपना संसद को भी दिया, कोई काम करता नहीं। किसी भाई को आपने दिया था अर्जी दिया था? किसी भाई ने कुछ बोला नहीं? नहीं नहीं, वो बोलता है अभी सब हो जाएगा, टैंकर सब चालू करेगा ऐसा बोला, लेकिन टैंकर चालू है तो कभी कभी किसी को पानी मिलता है, किसी को पानी मिलता भी नहीं। तो कितना टैंकर पानी आता है रोज? रोज कहाँ से, दो दिन में तो 3 दिन में टैंकर आता है, वो लोग सीधा हॉर्न बजाते निकल जाते हैं, वो जब भी वो वासन लेके निकलता है इतने में तो वो लोग निकल जाते हैं, कभी पानी मिलता कभी नहीं भी मिलता है। कभी मिलता कभी नहीं। तो हाँ, पानी आपको मिलता है? पानी नहीं मिलता है, ऐसा है 5 दिनों में मिलता है, कभी 4 दिन में मिलता है, ऐसे मिलता रहता है, किसी के दो मिलते हैं, 5-6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए। आपका काम कैसे चलता है? आपका काम तो ये ठीक थोड़ा थोड़ा चलता है, इसे दूर जाना पड़ता है, 5 किलोमीटर जगह पर दूर जाता है और दूर से पानी लेके कोई कपड़ा धो के आता है, ऐसे जानवर को पानी नहीं मिलता है, ऐसे बहुत प्रॉब्लम और बहुत समस्या है। और सबसे पहले बहन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि यहाँ टैंकर आता है पानी का? नहीं आता है। लंबा जाना पड़ता है 4 किलोमीटर। तो यहाँ पे जैसे MLA जीतू भाई का आप लोगों ने जीता के भेजा है, MLA बना के भेजा है आप लोगों ने, तो जीतू भाई को कभी आपने बोला? उसको भी बोला और लिख भी दिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। तो पानी 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है? जाना पड़ता है। दर्शकों, जैसा कि आपने सुना, यहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा कि उन्होंने सरकार से गुहार लगाई थी, अर्जी दी थी, केंद्र सरकार से भी गुहार लगाई थी और वहाँ के जो MLA हैं जीतू भाई उनसे भी कई बार इस बारे में गुहार लगाई थी, इस बारे में अर्जियां डाली थी पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या यही है विकास जहाँ लोगों को पानी तक नहीं मिल रहा है, 2 दिन में सिर्फ एक टैंकर आ रहा है? वादे कहाँ है, कहाँ गई सरकार की बड़ी बड़ी बातें? अब शायद सरकार को बातें छोड़कर काम करना चाहिए। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए KM News। मैं संजना मिश्रा कैमरामैन विनोद पंडित के साथ।